अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इफ्तार पार्टी व्लॉग, क्योंकि आज हमारे घर है पार्टी, इफ्तार पार्टी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स और उनकी फैमिलीज़ की। ये जो है ना वीडियोस, ये सब एक दिन पहले की है, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने काम स्टार्ट किया था। यहाँ मैं ना समोसे और रोलों की तैयारी करूँगी। यहाँ मैंने इसे आलू बॉयल करके और चिकन भी बॉयल करके उसको काट वगैरह के ना यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे ना आपने ऑयल लेना है और उसके अंदर आपने आलू चिकन डाल के और उसके अंदर ना मसाले दब देने हैं। बाबे दी गल समझिया करो, एवें नहीं हर शायद दब देनी करनी। इसके अंदर ना आपने जो मसाले डालने हैं सारे मसाले डाल के, और मैंने ना इसको अच्छे से कर दिया है, मिक्स कर दिया और इस तरह बना लिए। अच्छा, कुछ लोग ना इसको वैसे बनाते हैं आलू काट के और चिकन को वैसे मसालों में डाल के तो भर देते हैं। पहले मैं भी ऐसे बनाती थी, लेकिन कुछ अर्सा हुआ ना मैंने इस तरह ट्राई किया, तो यकीन मानो कि इस तरह ना ज़्यादा अच्छे बनते हैं। टेस्ट में इतना डिफरेंस आता है ना, तो ये ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। उसके बाद ना यहाँ पर मैं अब रोल्स की वेजिटेबल्स तो मैंने काट दी हुई हैं, और दूसरी तरफ यहाँ ना मैं चिकन काट रही हूँ। ये चिकन ना स्ट्रिप्स में काट इसलिए रही हूँ क्योंकि ये मैंने पास्ता बनाना था, वाइट सॉस पास्ता, पर फिर हमारा जो है ना वो चेंज हो गया मेन्यू, तो फिर ये वैसे मैंने काट के ना फ्रिज में रख दिए। अच्छा, मैंने रोल जो होते हैं ना वो मैं नहीं बनाती आलूओं वाले ना, ये स्प्रिंग रोल है, और मैं इनको वेजिटेबल्स और चिकन के साथ इसलिए बनाती हूँ क्योंकि यार हर चीज़ में आलू वालू खा खा के ना बंदा थक जाता है। तो मैंने कहा कि यार आलू वालू नहीं खाने हमने सिर्फ, तो मैंने ना वेजिटेबल्स और चिकन वाले ना बड़े मज़े के ये बनते हैं, और मेरी सिस्टर के ये फेवरेट है। इस वजह से ना वो मैं जब भी हमारे घर आती है ना तो मुझे बोलती है रमज़ान में खास तौर पर ना तुमने मेरे लिए रोल बनाने हैं। तो ये एक ना वजह है कि मैं ना फिर कहती हूँ कि जब भी कोई आता है तो मैं ये बनाती हूँ। और अब यहाँ पे ना मैंने रोलों को भी फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैंने चूल्हा जलाया और मुझे अब याद आया कि यहाँ तो पंखा चल रहा है, अब मैं यहाँ पे पंखा बंद करने जा रही हूँ। लगता है नहीं किया अभी भी मैंने बंद, नहीं अब हो गया, अब कर दिया। अब इसमें मैंने ऑयल डाल के वेजिटेबल्स थोड़ी सी डाल दी हैं जो मैंने काटी हुई थी, और अब इसको थोड़ा सा सौते करूँगी। सौते करने के बाद साथ ही इसमें मैंने चिकन डाल देना है। अगर आपने ट्राई करने में तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद ना इसके अंदर अब मैं ये अब चिकन डाल रही हूँ। अब मैंने इसमें चिकन डाल दी है और आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर ना मुझे लगता है मैंने पंखा बंद नहीं किया। अब यहाँ पे अब मैं सॉसेस दब रही हूँ। बाबे की गल समझा करो, गौर ना सुनिया करो, फिर तुम कहते हो कि भाई ना बाबे ने गल सही नहीं दसी। अच्छा, गौर से सुनना। अब इसमें मैंने नमक और काली मिर्च, इसके अलावा ना इसके अंदर कुछ भी नहीं जाता, और यकीन मानो ये टेस्ट में इतने मज़े के होते हैं, क्योंकि चाइनीज़ वगैरह पता है ये चाइनीज़ के तौर पे यूज़ हो जाते हैं ना। रोल स्टार्ट करती हैं और यहाँ पे अब मैं रोल बनाऊँगी प्यारे प्यारे से। अच्छा, रोल वैसे सही बन जाते हैं वैसे तो, हर बार मैं भूलती कोई नहीं हूँ। यहाँ पे अब मैं रोल, अब पता नहीं कितना टाइम लग रहा है यार, जल्दी जल्दी बना भी लो। देखो ना पैसे लग रहा है, जैसे पता नहीं कितने टाइम हो गया तो मैंने अभी तक वैसे एक रोल नहीं बन सका। अब इसी तरह ना मैं ये बैटर लेके बैठी हुई थी और मैंने इस तरह ना सारे रोल बना लिए। ये देखा, ये देखा सारे एक मिनट स्किंटू में बन गए हैं। उसके बाद मैं फिर ले किया समोसों का बैटर, और मैंने कहा चलो अब समोसे भी आज ही बना लेते हैं। तो अब मैं ना यहाँ पे समोसे, अच्छा मेरे साथ पता क्या होता है, मैं जब भी बनाती हूँ ना समोसे, पहला समोसा तो हमेशा मेरा सीखने में लग जाता है। जब भी रमज़ान स्टार्ट होता है ना, हर दफ़ा मुझे ना सीखना पड़ता है कि क्या आपके साथ भी ऐसे होता है। अब मुझे सीखना पड़ेगा, मैं पहला समोसा देखना बनाऊँगी इतना, या देखना कितनी पैड़ी शक्ल का, अब देखो उसके कोई नसारे ना पैर है। अब सेकंड पे फिर मैं ट्राई करूँगी और अब देखना मुझे थोड़ा बहुत ना समझ आने लग जाएगा, नहीं नहीं वो मैंने गलत बना दिया, नकुंड बंदू की तरह बनाया। अब ये थोड़ा सा बेटर बन गया और अब मैं इसे ना जल्दी जल्दी बना के देखो मैंने कितने कुछ कुछ शक्ल के बनाए हैं। अब लास्ट मेरे ख्याल से मेरे से ठीक बन ही जाएगा, देखना हम होंगे कामयाब। यहाँ पे देखना मैं कामयाब हो जाऊँगी इंशाल्लाह। और इसी तरह ना मैंने सारे समोसे बना लिए थे। अब ना ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। मेरे उठने से पहले ना अम्मी ने खीर बना ली हुई थी, और मम्मी ने कहा कि जी आप ना अब डोंगू में डाल दें। अब मैंने इनको डोंगू में डाल दिया और उसके बाद डेकोर किया इसको मैंने बादामों के साथ। अच्छा, ये बड़ा मज़े का काम लगता है मुझे इस तरह ना। फिर मैंने ना जी अम्मी के चोरी करके चांदी के वर्क जो उन्होंने छुपा के रखे हुए थे ना, वो निकाल के ना मैंने ये खीर के ऊपर लगा दिए। और उसके बाद यहाँ बन रहा है रोस्ट, एक तरफ हमने रोस्ट रखा हुआ है, थोड़ा सा साइड पे दूध है जो कि आया था, और यहाँ पे ना हमने सालन बना रहे हैं, और ये ना गोश्त गलने के लिए भी रखा हुआ है। फिर मैंने कहा काम तो कोई नहीं, मैं रूम में आ गई, और रूम में आके मैंने कहा सुबह आके कपड़े निकालते हैं। और फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी अब इसके साथ कौन से वाले शूज़ पहने, ये यार बड़ा मसला होता है।
उसके बाद जी ये मैंने इसे शावर दिया। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं ना, तो फिर आप इस बीबे बच्चे को जानती ही होंगी, ये है मेरा अनमोल रतन। और अब यहाँ पे मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, मैं जाल है ये बच्चा है, सीधी तरह एक दफ़ा बैठ जाए यार, जब भी वीडियो, पता नहीं कौन सी माएँ हैं जो बच्चों की इस तरह वीडियो बना लेती हैं। अब देखना ये एंड पे ना इसने मेरे से आके रोना ही स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो यार, फिर मैं ना किचन में फिर आई, मैंने कहा चलो टाइम थोड़ा रह गया। अब यहाँ मैंने फ्रूट काट के ना फ्रूट चाट बनाने शुरू की, और अब मैंने फ्रूट काट दिया और मैं ये किशमिश और इसके ऊपर बादाम और ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ। और उसके बाद ना ये टिन पैक की ना एक बड़ी मज़े की कहानी है। मज़े की कहानी क्या है कि ये अब मुझसे खुल नहीं रहा, तो मैंने अपनी ना अम्मी को दिया, मैंने कहा अम्मी ये खोल। पहले तो उनसे वो हुक टूटी, फिर उन्हें छुरी कांटे लेके पहले इसके पीछे पड़ी। अब आपको यकीनन वीडियो में नज़र आ रहा होगा, अम्मी सोटा लेके आएंगी। अब वो सोटा लेके ना अम्मी उसको मार मार के खोलेंगी। और मैंने कहा भी, मैंने कहा अम्मी ये ना दे के आए अब्बू को, अब्बू खोल देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, इसको तो अब मैं ही खोलूँगी। अब अम्मी ने उसको चिब्बा शिब्बा कर दिया, इसको मार मार के, और फिर भी अम्मी ने कहा मैंने खोल के छोड़ना है। फिर आखिरकार अम्मी ने खोल के दे ही दिया था। और अब मैं ना ये क्रीम डाल रही हूँ, क्रीम का मिक्सचर बना रही हूँ यहाँ पे। अगर आपने ये ट्राई करनी हुई ना यार, ये मेरे ना मेरे हाथ की तरह फेमस है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बाजार की बनी हुई है। आपके पैसे दावत के पूरे हो जाते हैं। यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ और मायोनीज और क्रीम डाली है और नमक डाला है, और अब इसमें काली मिर्च डाल रही है, और इसके बाद ना मैं इसमें शुगर डालती हूँ। अब ये थोड़ी ज़्यादा सी काली मिर्च। उसके बाद ना इसके अंदर मैं डालूँगी नमक भी थोड़ा सा डालती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। और अब इसके अंदर ना ये मैंने पिसी हुई चीनी डाली है यहाँ पे ना, जल्दी जल्दी डालो भी यार, ख़त्म करो काम। अब इसको ना मैं मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे ना, ये ज़रा बैटर थोड़ा हार्ड हो गया था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड हो जाता है। मैं यहाँ इसमें दूध डाल देती हूँ, तो यहाँ फिर ना इसके अंदर, अब मैंने वैसे यहाँ पे ना पाइनएप्पल का जूस डाल दिया था, क्योंकि अब वो कहाँ बंदा ज़ाया करे, तो रोज़े भी थे, पीना भी कौन था तब तक, तो मैंने ना इसके अंदर डाल दिया। कुछ लोग तो पी भी लेते हैं ना, मैं भी पी लेती हूँ, पर ज़्यादा पिया नहीं जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा होता है ना, तो वो चीज़ों के अंदर ही डाल डुल के हम उसको ना कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने सारी क्रीम डाल दी और मिक्स कर दूँगी ना अब सारी ऐसे। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मिक्स मिक्स मिक्स, जल्दी जल्दी मिक्स करो, इतना स्लो काम कर रही हो। अब ये देखा अम्मी ने दे दिया मुझे। अब मैं इसके अंदर ना डाल रही हूँ सारे कॉकटेल डाल रही हूँ, और अब मैं ये मेरे जहेज का जो ढोंग है ना, ये मैं लेके आई हूँ, और अब मैं इसके अंदर ना डाल दूँगी इसको सारा। अब ये मैंने डाल दिया यार, इसमें ना सारे पैसे इस डेकोरेशन के। अब इसमें मैंने किशमिश और ये सोंगी कहते हैं इसे, ये सोंगी डाली है। अच्छा, इस सारे पैसे ना इस डेकोरेशन के, आपके पैसे पूरे हो जाते हैं, मेहनत तो वसूल हो जाती है जब कोई लुक की इतनी अच्छी आती है यार, शक्ल सोहनी होनी चाहिए, वही बात है उसके ऊपर ना। लेकिन इसे खाने में भी अच्छा है। मैं इसके ऊपर ना डाल रही हूँ, क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं पाइनएप्पल, हाँ जी, और बादाम और पाइनएप्पल, चेरी तो आपने नज़र बटू ज़रूर रखनी है, इसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आना आपको ना। अब इसके ऊपर मैं जामा शेरी से ना डेकोरेशन कर रही हूँ। आए हाय, चस आ गए, मज़े आ गए। उसके बाद ना यहाँ पे ना हम लोग कर रहे हैं बिरयानी को दम, अम्मी लगा रही हैं यार। मेरी अम्मी की बिरयानी वैसे बड़ी फेमस है, ये बड़ी मज़े की बनाती है, और ये बनाती, मज़े की बात है, ये बनाती भी घर के मसालों से है। अच्छा, मैं ना नेशनल वालों के ना मसाले से बनाती हूँ, और मेरे से कभी भी इनकी तरह की बिरयानी नहीं घर के मसालों से बनी ना, तो पर ये घर के मसालों से इतनी मज़ेदार सी बिरयानी बनाते हैं ना, पर मैं इसकी फ़ाइनल लुक की ना पिक्चर नहीं ले सकी, ये अफसोस है मुझे। उसके बाद जी यहाँ पे रोस्ट को हमने दिया हुआ है कोयले का दम, और एक तरफ यहाँ पे साथ साथ हम लोगों ने ना का रोल भी फ्राई करते हैं, और थोड़े रोल फ्राई किए, थोड़े हमने समोसे यहाँ पे फ्राई किए, क्योंकि हमने कहा प्लेटर जल्दी जल्दी बने, फिर बाद में ओवर स्टॉक जो है ना वो फ्राई कर लेंगे, वो तो बाद में भी चला जाता है ना, तो पहले ये चीज़ें फटाफट, क्योंकि हम काफ़ी देर हो गई थी हमें। फिर हमने ना ऐसे खूबसूरत सा करके ना, ये देखें ये देखें ये देखें, ओहो क्या हो गया, हाँ एक तरफ समोसे रोल और रोस्ट रखा है। अच्छा, फुल मैं वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि आपको पता है कि जो है मतलब मेहमान थे तो नहीं बन सकी, तो अब फिर एंड पे मैंने चाय बनाई, तो फिर मैंने उसकी वीडियो बना ली। ये जी कड़क चाय यार, जो त्रोटक इससे उतरती है ना, उससे वो उस सबस चाय से उतर ही नहीं सकती, जो हम जैसे नशे वाले लोग हैं ना वो बस यही कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।